स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा 6 कर्मचारी नेताओं का निलंबन करने के बावजूद एनएचएम कर्मचारियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन उन्होंने सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा के नेतृत्व में सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार कर्मचारी नेताओं का निलंबन करके दबाव बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि आज प्रदेश के 12,000 एनएचएम कर्मचारी बर्खास्त होने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हड़ताल अचानक नहीं की, बल्कि सरकार को 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था। हम नीतिगत तरीके से हड़ताल पर आए हैं और हम नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, इसलिए सरकार को खुद आगे आकर समाधान निकालना चाहिए। और सर्व कर्मचारी संघ भी इस हड़ताल के समर्थन में आ चुका है, इसलिए सरकार डराने धमकाने की बजाय बातचीत से हल निकाले। मैं एनम हूं और मैं ये कहना चाहती हूं सरकार से कि सरकार हमारे को कह रही है कि हम इनको निकाल देंगे। जब सरकार ने हमारी पोस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करा, हम सरकार के कर्मचारी हैं तो निकालने का किसको निकालेंगे? सरकार तो हमारे को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी कि हम मेरे कर्मचारी हैं। आज हमारे बुधवार का दिन है और हमारे इम्यूनाइजेशन डे है। आज हमारी आशा वर्कर एनम्स के उनके आंगनबाड़ी वर्कर के फोन आ रहे हैं कि आप टीके, लेकिन हमारा मजबूरी है, हम क्यों बैठे हैं आज? क्या हम अपने इम्यूनाइजेशन को रोकना चाहते थे? और हम 18 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं, सरकार के हर टारगेट को अचीव कर रहे हैं। IMR MMR को कम किया और हमने इम्यूनाइजेशन को 10% से 90% पे ला दिया। आज पोलियो फ्री इंडिया होगा, फिर भी सरकार कहती है कि कर्मचारी काम नहीं करते और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आपने हमारा विकास क्या किया? हमारे लिए कहीं सस्ते राशन की दुकान खोल दी क्या? हमारे बच्चे हैं क्या, उनको आगे पढ़ने का शौक नहीं? हम आज नर्स हैं, हमारे पापा कहते थे कि मैंने पढ़ लिख के मजदूरी करके तेरे को नर्स बनाया, तो हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने तो हमारे इतनी मट्टी पलीद कर दी कि हम इतना शोषण 18 साल से झेल रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सुनती नहीं है और इसके कान पे जू नहीं रेंगती। इसलिए हम सरकार को बता देना चाहते हैं, चेतावनी दे रहे हैं। हम किसी के बहकावे में नहीं आते, हमारे में अपनी अकल है, हम दो रोटी खाते हैं, तो हम किसी के बहकावे में नहीं आ रहे। हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे को पक्का करें और जब तक पक्का नहीं करते समान काम समान वेतन दें, नहीं तो हम हड़ताल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हमारी कीमत क्या है। ये जो पूरे प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के लगभग 12,000 कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, और न केवल सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बल्कि तमाम विभागों के कर्मचारियों का समर्थन दिया है, और हम सरकार से कह रहे हैं कि डराने की धमकाने की कोशिश ना करें, FIR दर्ज कराने की धमकी ना दें। 2 दिन से FIR दर्ज कराने की धमकियां दी जा रही हैं। हमारे 6 कर्मचारी नेताओं को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त की धमकी, चार्जशीट, ये तमाम धमकियों के बावजूद हमारे पूरे प्रदेश में 100% कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसलिए सरकार को समझ जाना चाहिए कि ये बर्खास्तगी से हड़ताल खत्म नहीं होगी। सरकार घड़ियाली वहां से उभारी है, चिकनगुनिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, वायरल फैल रहा है। हमने कोई अचानक अकस्मात हड़ताल नहीं कर दी, सरकार को 1 महीना पहले नोटिस दिया है और तब कहा है कि हम नहीं चाहते कि इस सीजन में हड़ताल की जाए, लेकिन हमारी किसी ने बात की सुनवाई नहीं करी। और परसों जब रात को बातचीत हुई है, ऐसा पहले देख रहे हैं हम कि जो बातचीत हमारे 6 नेता गए थे मिशन डायरेक्टर के साथ, सरकार ने उन 6 नेताओं को बर्खास्त कर दिया। इससे पहले बिजली कर्मचारियों पर SMA लगा चुकी है, ADOs पर SMA लगा सकती है, लैब टेक्नीशियन के खिलाफ चार्जशीट, शो कॉज नोटिस, बर्खास्त के सस्पेंशन कर चुकी है, लेकिन आंदोलन रुका तो नहीं। इसलिए प्रदेश के हमारा आरोप है कि प्रदेश की सरकार ने जानबूझ करके प्रदेश की जनता को इन भयंकर बीमारियों की तरफ धकेला हुआ है, क्योंकि जो इलाज इसने करना चाहिए आज सरकार के गलत मतलब नीति के तहत वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब फिर हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कहता है कि बातचीत की टेबल पर सरकार आए, हम नहीं चाहते प्रदेश की जनता को तकलीफ हो, हम चाहते हैं हड़ताल निपटान इसका खत्म हो जल्दी से जल्दी ताकि हम अपनी ड्यूटी पर काम कर सकें, लेकिन प्रदेश की सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। हम स्पष्टता के साथ कहते हैं कि सस्पेंशन से बर्खास्तगी से 12,000 कर्मचारी बर्खास्त होने को तैयार हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लाखों लोग समर्थन में आ चुके हैं, तो डराने धमकाने के बजाय बातचीत समस्या का समाधान करें तो मतलब मसले का समाधान होगा।